पुलिस को कल सूचना मिली थी, तुरंत FIR दर्ज कर ली गई थी बच्ची के लापता होने के संबंध में। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के करौली समाचार में आपका स्वागत है। करौली के मंडरायल कस्बे में छात्रा का मामला सामने आ रहा है। छात्रा मंगलवार को ट्यूशन के लिए गई हुई थी लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी, लेकिन बुधवार सुबह ही मंडरायल कस्बे में शांति गस्ता के चलते उसका शव मिला है। छात्रा के पास से 100 मीटर की दूरी पर उसकी किताबें मिली है। सूचना पर मंडरायल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ में डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। परिजनों और ग्रामीणों ने रेप के बाद ही खत्म करने की आशंका जताई है। इसी दौरान मंडरायल थाना बनवारी लाल ने बताया कि मंडरायल किले में छात्रा का शव मिलने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जानकारी ली। छात्रा की पहचान के बाद मंडरायल के मोर्चरी में रखवाया गया है। इसी दौरान घटना के विरोध में छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने मंडरायल हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया और PT करवाने से इनकार कर दिया है। छात्रा के परिजन और ग्रामीणों ने रेप के बाद ही इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है। इसी दौरान पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा मौके पर पहुंचे और 51,000 की आर्थिक सहायता देने के बाद ही सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है, साथ ही मामले का खुलासा का भरोसा दिया है। इसके बाद PT करवाने की सहमति बनी। सो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है ताकि समाज में घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।